महिलाओं को स्वयं सुरक्षित बनाने के लिए नवी मुंबई नेहरुल ऐसे इस कॉलेज के द्वारा सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दो दिन के इस कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों लाभ उठाते नजर आए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अभी भी कहीं न कहीं महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। इसी को देखते हुए SIES कॉलेज नेहरुल में पहली बार थीम के माध्यम से छात्राओं को वुमेन सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम का दो दिवसीय आयोजन रखा गया, जिसमें सहभाग लेते हुए नजर आई। वही जगह ट्रेनर उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हाथ अंदर जाएगा, ठीक है, हाथ अंदर लेके जाओ, ब्रेक द जॉइंट, पुश, ब्रेक द जॉइंट एंड देन पुश, पुश मतलब थंब, थंब को यहाँ, 1 2 3, ओके, वन मोर टाइम, 1, ठीक है। चलो अभी मैंने आगे कर लिया, लगा उसको नहीं, बट यू गेट एन आइडिया कि चलो आई हैव टू कवर दिस मच डिस्टेंस नाउ। सेकेंड पंच मूव, तब डिस्टेंस पे आओगे। इसी को देखते हुए वहाँ के प्रिंसिपल ने भी सुरक्षा के प्रति अपनी राय रखी नवीन बे आवाज के साथ। ये हमारे कॉलेज में BMS डिपार्टमेंट जो है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, उन्होंने ये एक शार्प शूटर इवेंट अरेंज किया है और उसका एक प्री इवेंट करके जो मतलब प्रोमोज जिसको बोलते हैं हम, और ऐसा एक प्रोग्राम अरेंज किया है। उसका सोशल थीम उन्होंने सिलेक्ट किया है सेल्फ डिफेंस फॉर वुमन। सो आजकल के ज़माने में जो वुमन्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, या क्योंकि वुमन को घर के बाहर भी निकलना पड़ता है जॉब के या एजुकेशन के जरिए, तो कहीं भी कहाँ से भी उनके ऊपर अटैक होने का संभव हो सकता है, या रात को देर रात को सेफ्टी उनका नहीं हो पाता है। सब जगह पुलिस तो इंस्टॉल नहीं कर सकते हम, तो इसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू सेल्फ डिफेंस उनको टेक्निक सिखाया जाएगा जा रहा है। आज जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट और टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे। उसके पहले भी, दिस इज़ द सेकंड फेज, फर्स्ट फेज में हमने कुछ डिग्री कॉलेज के लड़कियां और कुछ लेडीज स्टाफ को ये एजुकेशन दिया है, तो जिसके जरिए उनको सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म से अपना संरक्षण करना उनको आसान जाएगा। सी बिकॉज मेन अभी जो भी ज़्यादा आप देखोगे न्यूज़ में, आप जो भी देखते हो, मेन एक ये है कि वुमेन्स का जो सेफ्टी है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग, नॉट ओनली इन जस्ट नवी मुंबई, बट इज़ अ स्मॉल थिंग विच SIES स्टूडेंट्स फ्रॉम BMS, दे हैव कम अप विद एन इनिशिएटिव लाइक यू नो bringing up some women self defense, and this is something very unique. अभी तक कोई फेस्ट में ऐसा डिपार्टमेंटल फेस्ट में नवी मुंबई तो अभी तक हुआ नहीं है, एंड स्पेशली दिस इज गोन बी लाइक फॉर अ 3 years थिंग। जितने भी वॉलंटियर्स अभी सीखे हैं, दे विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट, एंड वो लोग NMMC से साथ भी टाई अप होने वाले हैं, एंड एवरी मंथ दे विल बी गोइंग टू अंडर प्रिविलेज स्कूल्स एंड इवन नॉर्मल स्कूल्स एंड टीचिंग वुमेन सेल्फ डिफेंस ओवर देयर। सो दिस आर लाइक वी गॉट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट वुमेन सेल्फ डिफेंस फॉर राइट नाउ। मैं बेसिकली अभी जो वर्कशॉप हुआ, इट वॉज अ बेसिक 45 मिनट्स वर्कशॉप। सो फर्स्ट 20 मिनट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है, हम लोग बेसिक जो स्ट्राइक्स होते हैं जो लड़कियाँ यूज़ कर सकती है बचने के लिए ये सब सिचुएशन से, वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद फिर सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सिचुएशन, सपोज आपको कोई पकड़ता है तो आपको कैसे निकलना है। सो वी बेसिकली डू दैट, पहले उनको कैसे मारते वो सिखाना है, फिर कोई सिचुएशन देना है एंड उसमें क्या चीज़ यूज़ करना है वो सिखाते हैं। फर्स्टली BMS डिपार्टमेंटकडून असं काहीतरी महिलांसाठी होणं हे खूप महत्त्वाचं होतं, आणि कॉलेजमधून ते होतं हे खूपच छान आहे, आणि प्लस मीडिया कव्हरेज तुम्ही देता त्याबद्दल थँक्यू सो मच। खरं तर कसं आहे ना की आम्हाला असं वाटतं खूप की नाही आम्ही करू शकतो, कोणी समोर आलं तर, पण एका गोष्टीची अशी प्रॉपर पद्धत असते तर ती आम्हाला यस सरांनी दिली, सो थँक्यू सो मच यस सर, आणि ऑफकोर्स थँक्यू सो मच शार्प शूटर्स SIES की आम्हाला एवढा चांगला चान्स दिला बॉक्सिंग वगैरे शिकायचा, आणि कधीही आमच्यावरती अशी सिच्युएशन आली, येऊ नये पण आधी आली तर आम्ही प्रिपेअर आहोत या सिच्युएशनसाठी, सो थँक्यू सो मच। आम्हाला बॉक्सिंग, किकबॉक्सिंग प्लस अशा काही सिच्युएशन्स असतात की काय होतं मुलींबद्दल आजकालच्या युगामध्ये, तर त्या सिच्युएशनमध्ये तुम्ही कसा त्यांचा प्रतिरोध कराल किंवा त्यांना विरोध कसा कराल, त्यांना थांबवाल कसं, ते बेसिकली आम्हाला सरांनी शिकवलं, त्यामुळे आम्हाला थोडंसं असं नॉलेज आलं आहे त्या गोष्टीबद्दल। सो बेसिकली हमें पता है कि हम यूथ है, हमें सोशल इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, तो इस साल हमने डिसाइड किया कि हम कुछ करते हैं फॉर वुमेन। बेसिकली तो हमने सोचा कि हम लोग
कहाँ से भी शुरू करें, उससे पहले हमें हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। तुम्हारे कॉलेज की जितनी भी लड़कियाँ हैं, जूनियर कॉलेज बोलो, डिग्री कॉलेज बोलो, मास्टर्स बोलो, टीचर्स बोलो, नॉन टीचिंग स्टाफ बोलो, हमने सबको 2 दिन के ओवर ट्रेनिंग दी है। सो दैट हमने ट्रेंड ऑफिशियल्स को बुलाया, जो हमारे एक स्टूडेंट ही है, वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने ट्रेनिंग दी सब स्टूडेंट्स को। ये सब स्टूडेंट्स अभी ओवर अ पीरियड और थोड़ा बहुत सीखेंगे, और ये सब स्टूडेंट्स जाकर NMMC स्कूल्स है, जो आजू बाजू के स्कूल्स हैं, वहाँ पर महीने में 2 दिन जाके बच्चों को सिखाएंगे, तो वहाँ पे भी अवेयरनेस स्प्रेड होगा। सो स्लोली स्लोली हम ये पूरा सेल्फ डिफेंस का वेव स्प्रेड करना चाहते हैं। वी वांट टू रीच एवरीबॉडी सेल्फ डिफेंस। इट्स जस्ट दैट हेल्प अस जॉइन अस इन आर इनिशिएटिव। 17th को हम लोग एक रैली निकालने वाले हैं, रैली प्लस अ मैराथन, वी कॉलिंग इट ट्रिलेथन। तो आप प्लीज़ उसके लिए आइए, बी अ पार्ट ऑफ इट, कम जॉइन अस एंड लेट्स ऑल स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वुमेन सेल्फ डिफेंस। ये कम्प्लीटली बच्चों का इनिशिएटिव था, SIS के बच्चों का, स्पेशली BMS के शार्प शूटर्स बच्चों का इनिशिएटिव था। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो अभी के वुमेन हैं, जो गर्ल चाइल्ड स्पेशली, काफ़ी अनसिक्योर फील करते हैं इन आउटसाइड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। तो उनके लिए उन्हें लगा कि सेल्फ डिफेंस एक मैकेनिज्म है, जो अगर वो सीख जाए तो वो किसी भी सिचुएशन में पीछे नहीं हटेंगे, दे कैन गो अहेड। सो देयरफॉर हमने सोचा कि पहले तो हम अपने खुद के बच्चों को सिखाते कि सेल्फ डिफेंस होता कैसे है। उनकी ट्रेनिंग के बाद फिर इन्हीं बच्चों का कॉन्सेप्ट था कि क्यों ना हम NMMC के स्कूल के जो बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, उनके साथ टाई अप करें और उन्हें जाके सिखाएं। तो अभी हाल ही में हमारा NMMC के साथ भी टाई अप हुआ है, उनके स्कूल्स के साथ टाई अप हुआ है। तो अभी इन ट्रेनिंग के बाद जो गर्ल चाइल्ड इंटरेस्टेड है, वो वॉलंटरीली NMMC के स्कूल्स में जाएंगे और उधर के बच्चों को सिखाएंगे कि सेल्फ डिफेंस किस तरह से होता है। और ये जो टाई अप है, ये 3 ईयर्स का है। सो इस साल हम कुछ स्कूल्स में सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर हम और कुछ स्कूल्स में सिखाएंगे। इन 3 ईयर्स वी वांट टू कंप्लीट ऑल दी स्कूल्स ऑफ NMMC, सो दैट ऑल गर्ल्स आर सेफ इन एनी एनवायरनमेंट दैट दे आर। पीडी जर्नलिस्ट श्री के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।